हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज हम लोग एक लॉन्ग राइड पे जाने वाले हैं, तो उससे पहले पेट्रोल भरवाना बहुत ज़रूरी है। सो या वी आर डन एंड वी लेफ्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट्स सो ब्यूटीफुल, दोनों साइड में नीला नीला आसमान और ये छोटा सा एक नदी टाइप। एंड गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में। रास्ते में जाते जाते हमें एक जगह पे ये दिख गया एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह कुछ तो हुआ होगा। खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए हम लोग और फिर हम यहाँ पहुँच गए टोलनाका। टोलनाका क्रॉस करने के बाद हम लोग निकल पड़े एंड ये रोड इतना खूबसूरत था, मतलब ज़िगज़ैग रोड था एक्चुअली, तो बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि रास्ता कभी ख़त्म ना हो और हम बस ऐसे ही चलते रहें। और ये रही मैं, हवा बहुत तेज़ थी। थोड़े टाइम बाद हम लोग थोड़ा रुके रेस्ट करने के लिए, थोड़ा पानी पिया एंड क्योंकि काफ़ी टाइम तक माय हस्बैंड वाज राइडिंग तो रुकना ज़रूरी था। और इसके बाद हम लोगों ने एंटर किया, क्रॉस किया एक गांव को जहाँ पे ये औरत हमें दिखी एंड ये जो पेड़ पौधे हैं बीच बीच में से हम लोग निकल रहे थे एंड इट वॉज़ जस्ट लुकिंग अमेजिंग। और ये रहा ज़िगज़ैग रोड। एंड वी स्पॉटेड दिस वाटरफॉल जहाँ पे पानी सूख चुका है, बारिश के टाइम पे पानी गिरती है बट अभी है नहीं। ये प्यारा सा छोटा सा एक रिवर है जो इतना अच्छा लग रहा था देखने में, सो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा नज़दीक जाके देखा जाए। और थोड़ा नज़दीक से रिवर को देखने के लिए हम उतरे थे बट एक्चुअली आसपास बिल्कुल भी कोई नहीं थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि निकल जाते हैं। एंड हमने ट्रेन देख लिया जाते हुए एंड बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि ट्रेन भी साथ में चल रही थी। जाते जाते हमने सोचा क्यों ना हम कहीं पे बैठ के थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लें। और बहुत ढूंढने के बाद हमें ये फाइनली एक दिख गया, तो हम यहाँ रुक गए एंड फिर हम लोग बैठ गए यहाँ पे। और मुझे एक प्यारी सी बिल्ली दिखी जो मेरे पैर के बाजू में आके बैठी हुई थी। शुगरकेन जूस काफ़ी अच्छा लगा पी के, फ्रेश लग रहा था। एंड इसके बाद हम लोग निकल पड़े घर के लिए। सो गाइज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।